क्या थोड़ा ज़ूम करेगा? ओके यप, आई होप इट ठीक है, ठीक है, ओके ओके गाइस। तो ये आज तुम बोल दो, तुम बोलना, कुछ नया करते फिर हम आ जाएंगे। चलो 1 2 आज हम करने वाले हैं मेकअप। बहुत ही गंदा था, दन्नो रहने दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मेरी कजिन आई है मेरे घर में एंड शी इज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। मतलब जो भी अगर मुझे पूछना होता, मुझे पर्सनली अगर कभी कुछ पूछना होता तो मैं इससे पूछती हूँ। नो बट शी इज प्रोफेशनल इन दैट वे। सो एनीवेज, सो आज का वीडियो तो होने वाला है थोड़ा फन वीडियो, बिकॉज फेस्टिव सीजन इज हियर एंड इसलिए हमने सोचा कि हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आते हैं जिससे आपको पता चले कि कम से कम टाइम में आप कैसे मेकअप कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली फेस्टिव टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना मेकअप करें। सो आज का वीडियो होने वाला है इसलिए स्पेशल क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारे साथ एंड सेकेंड कि हम जल्दी से जल्दी में मेकअप करेंगे एंड आप देख पाओगे कि एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कम से कम टाइम में कैसे मेकअप करती है। मेरा मेकअप तो आपने देखा हुआ है बहुत सारी। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सो सबसे पहले लगाएंगे हम प्राइमर। मुझे ड्यूई मेकअप ज्यादा पसंद है, ग्लॉसी से। और तुम्हें भी? मुझे भी ग्लॉसी ड्यूई मेकअप बहुत पसंद है, मैट मुझे इतना नहीं पसंद एज हमारी स्किन ड्राई है। और अभी ठंड का टाइम भी आ रहा है तो मुझे लगता है कि ड्यूई मेकअप ज्यादा सूट करेगा मोस्ट ऑफ द स्किन टाइप को। सो मैं यूज करूंगी लैक्मे का ब्लर ब्लर परफेक्ट प्राइमर। आई एम गोइंग टू यूज मैबेलिन फिट मी। हम जल्दी जल्दी करते हैं ना, यस, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। अच्छा एक बात बताओ, प्राइमर क्या बहुत मैंने बहुत बार सुना है कि प्राइमर कम लगाना चाहिए, ये ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। क्योंकि कुछ मेकअप आर्टिस्ट को मैंने देखा ना, कवर होना चाहिए प्राइमर से अच्छी तरह। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा मैंने सुना है कि प्राइमर सिर्फ यहाँ पे लगाते हैं टी जोन में, ऐसा कुछ जहाँ पे भी आपने फाउंडेशन लगाना है वो एरिया कवर्ड होना चाहिए पहले प्राइमर से। तो अभी ना मुझे फाउंडेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आजकल, एंड सेम फॉर हर आई गेस, क्योंकि ये भी फाउंडेशन बहुत ज्यादा यूज नहीं करती आजकल, इसलिए हमने ऑप्ट किया है टिंटेड मॉइस्चराइजर। सो मैं यूज करूंगी स्मैश बॉक्स का हेलो टिंटेड, और तुम मेरा भी यूज कर सकते हो, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है तो तुम ये यूज कर लो, कोई बात नहीं, मैं यूज कर लेती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है रिमेल का दिस थिंग। एंड जितने प्रोडक्ट्स हम आज यूज करें कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है एंड सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसे आप हाथ से ही ब्लेंड कर सकते हो। बेचारी ने बहुत सारे ब्रशेस धोए हैं आज, मगर मुझे नहीं लगता ज्यादा काम आने वाला है। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा है, जो नहीं आना चाहते हैवी मेकअप के साथ, फाउंडेशन की लेयरिंग नहीं चाहते, वो डेफिनेटली ये ले सकते हैं। एवरीडे मेकअप के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं ये। मेरा ये स्टेप हो गया, मैं जा रही हूँ कंसीलर लगाने। कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का एज डिफाइन कंसीलर। तुम कौन से यूज कर रहे हो? दिस वन इज फ्रॉम मिलानी। सो इसको लगाऊंगी मैं इनर कॉर्नर पे, थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे, फॉरहेड पे, नोज पे, चिन पे, अराउंड माई माउथ एंड अराउंड माई नोज। ओके, क्योंकि वो ब्रश यूज कर रही है आज, मैं हाथों से ब्लेंड करती हूँ और हाथों से भी आराम से ब्लेंड होता है ना, रिंग फिंगर्स से। या देखो मैंने कोर्स वोर्स तो नहीं किया, बट आता है मुझे, है ना, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? ऑब्वियसली लाइक यार मैंने मेकअप कभी भी सीखा नहीं है, आप लोगों की तरह मैं भी यूट्यूब देख के ही मुझे जो भी आता है और इंटरेस्ट भी है। देखो कितना मस्त ब्लेंड हो गया, इंटरेस्ट होना जरूरी है तभी इंसान सीख सकता है। मम्मी आज रो ही देगी तुम्हारे, इतनी ज्ञान वाली बात। वही बेटा तो पढ़ाई लेकिन नहीं किया इतना, यही तो हम भी कहते थे, यही तो हम भी कहते थे कि इंटरेस्ट है पढ़ाई करो, उसमें पढ़ाई में इंटरेस्ट था। सो कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ लूज पाउडर, मैं यूज कर रही हूँ के ब्यूटी का लूज पाउडर। तो जहां भी मैंने कंसीलर लगाया से वहां पे लगा रही हूँ ताकि पूरा फेस मैट ना हो, क्योंकि मुझे मैट नहीं पसंद है लुक। सो मेरा बेस मेकअप हो गया कंप्लीट, अब मैं करूंगी आई मेकअप। इससे जल्दी करना मुझे
ऐसे मजाक। सो आज ना मुझे आईज में थोड़ा सा कलर लाने का मन करा, क्योंकि काफी टाइम से मैं म्यूटेड एंड सॉफ्ट मेकअप करी, वाओ लाइट आ गया है, तब से हम बिना लाइट के करे थे, विदाउट एसी विदाउट फैन, अब बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हाँ, तो आज मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये आई शैडो पैलेट, ये पहली बार यूज कर रही हूँ आज, एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज इसमें बहुत प्यारे प्यारे ऐसे कलर्स है, तो मुझे मन है आज भी है। हाँ, शिमर भी है, प्यारे प्यारे ना, यस ग्रीन, तो मैं यूज करूंगी ये अभी आप देखो कैसे। मैं हुडा ब्यूटी का पैलेट यूज कर रही हूँ, दिस वन है मेरा सबसे, मतलब प्रोफेशनल्स ऐसे करते हैं, प्रोफेशनल्स ऐसे करते हैं, वो सबसे पहले आउटर जो क्रीज है, क्रीज लाइन के ऊपर लाइटर कलर डालते हैं, उसके बाद उससे डालते हैं, और जब आप फाइनली पहुंचते हो आईलिड पे तो आप सबसे शिमर, या फिर अगर आप डार्क स्मोकी अगर करना चाहते हो तो सबसे डार्क कलर आप आईलिड पे यूज कर सकते हो। ओके, सो यही आई शेडो का रूल, लाइट ब्राउन शेड है। हुडा ब्यूटी की पिगमेंटेशन तो मस्त है, ये कलर बहुत ज्यादा पिगमेंटेड तो नहीं लग रहा मेरे को, और इसको ना स्किन के बारे में बहुत कुछ पता है, तो नेक्स्ट जब भी हम वीडियो बनाएंगे ना, आपके पास जितने भी क्वेश्चन है ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिकॉज आई गेस बहुत ऐसे डीप नॉलेज की जरूरत है आजकल स्किन में, लोग कुछ भी लगा रहे हैं, किसी भी स्किन टाइप वालों को पता भी नहीं होता कौन सा स्किन टाइप है, दिस दैट, तो आपके जितने भी क्वेश्चन है रिलेटेड, अगर आपको पिगमेंटेशन है या एक्ने है या यू नो एक्ने मार्क है या एनीथिंग, इनफैक्ट शी ऑल्सो नोज अबाउट बोटॉक्स एंड स्टफ जो कि सेलिब्रिटीज करवाती हैं, तो अगर आपको इस तरह का किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर स्किन से रिलेटेड, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, है ना, सेम वही बनाएंगे फ्री में, आप चार्ज करेंगे फ्री, ओह वाओ, फॉर यू एवरीथिंग, ओह माय गॉड, मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड इसे लगाऊंगी अपने आईलिड पर, भाई साहब ये काफी ऐसे मेकअप करने में कितना मजा आ रहा है जब कोई साथ में मेकअप कर रहा हो, बस शादियों में अच्छा नहीं लगता कि एक मिरर में पांच जन घुसे पड़े, एक तो मुझे तैयार होने नहीं देते लोग, तुम्हें अगर मेकअप आता है तो पहले पूरे खानदान को तुम्हें रेडी करना पड़ेगा, वरना आपकी या तो मासी मुंह फुलाएंगे, ओ मतलब मेरी मासी एक्चुअली मुंह फुला लेती मेरी कजन, आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए डार्क शेड यूज कर रही हूं, लोग बोलेंगे तुमने कहा था जल्दी मेकअप करना है, ओके बट जल्दी तो नहीं लग रहा है कहीं से भी, नहीं यार जल्दी है, जल्दी ही है, वरना हम बहुत टाइम लगाते हैं, लुकिंग नाइस ना, सी ये तो और भी अच्छा लग रहा है, और देखो आप बन प्रिटी, मेरा तो कुछ है ही नहीं, दो कलर है बस सेम शेड को ना, सेम जो डार्क ब्राउन शेड है इसको मैं लोअर लैश लाइन पर भी लगा रही हूँ, एंड ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप जैसे आप देखना ये आई देखना और ये आई देखना, बहुत डिफरेंस लगेगा आपको जब नीचे, मुझे ऐसा फील होता है मतलब ये करते करते, हाँ जब नीचे आई शैडो लगाओ ना तो आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है, इस आई में देखो और इस आई में देखो डिफरेंस है ना, तो ये मिंट ग्रीन मैं अपनी यहाँ पर लगाऊंगी लोअर लैश लाइन पर। अब बारी है शिमर की, या मेरे पास भी है शिमर और शिमर अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका, इस आई शैडो पैलेट में पिगमेंटेशन की कमी तो है, तो जब जल्दी आईब्रो कर लेते हैं, जहां भी गैप्स है वहां पे इसको फिल कर लेते हैं, आईलाइनर मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कैनाडा अल्टीमेट प्रो, काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, मेरा तीसरा ये है प्रोडक्ट, तीसरी बार ऑर्डर किया है मैंने इसको, भी परचेज किया है, सो आई मेकअप मेरा तो हो गया है, मैं अब लास्ट मस्कारा लगाऊंगी, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं लाइनर स्किप करूंगी, स्किप करोगे, ओके सॉफ्ट लग रहा है वैसे, सही लग रहा है, आई मीन सही है वो भी, ये लगाऊंगा, so for that I'm using Hoola Benefit Hoola Mini Bronzer, so it will give you a sharp look, आपके facial features को enhance करता है, ये जो double chin है इसे भी छिपा देता है, छिपा तो नहीं देता है but हाँ, bronzing इंडिया में अब famous हो रहा है, लोगों को लगता है ये लोगों को काला कर देता है,
अपने मोटे नाक को कर लू पतला. I am pretty. Yes, you are. Even if I'm not, I feel so. You are. Okay, now my favorite part. Blush. ऐसे तीन डॉट्स लगाते हो और बहुत ही प्रिटी लगता है. ऐसा लग रहा है मैं अपने फेस पे पेंट कर रही हूँ. ऐसे ग्रीन पिंक लिपस्टिक लगाऊंगी ऑरेंज. देखो है ना ग्लो ग्लो. सो आई एम डन. अब लगाऊंगी बहुत सारा हाइलाइटर क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो भाई चमकना है मुझे. हाँ एक बार दिस इज प्रिटी. दिस इज एक्चुअली वेरी प्रिटी. ये व्हाट शेडी बीचेस नाम है इसका. वेट एंड वाइट का ब्लश कितना भी लगा लो कम कम है बट अभी कम ही लग रहा है वैसे. लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी लैंकोमे. पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते बट लैंकोमे लिखा हुआ है. एंड ये शेड है फ्रेंच टी. एंड ये मेरा सबसे भयंकर इन्वेस्टमेंट है अभी रिसेंट टाइम का. दिस इज वर्थ 3500. बड़ी कलर इतना प्यारा है ना. कभी कभी ऐसा होता है ना सफोरा में आप जाते हो सिर्फ ऐसी मस्ती करने के लिए बट उस मस्ती में मुझे ये पसंद आ गया. पर ये वर्थ है. बहुत प्यारा है. बहुत प्यारा कलर. Look at this highlighter, man. बहुत ही सही लग रहा है. सो गाइज हैंस प्रूव कि मेकअप आर्टिस्ट का सारा टाइम लगाते हैं मेकअप करने में. ठीक मेरा तो हो गया है. हम जा मेकअप आर्टिस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं. मेकअप आर्टिस्ट काफी प्रिसाइज होके लगा रहे हैं पर मेरी आंखों में मुझे लाइनर और काजल की कमी लग रही है. ओ अभी आए अभी बाकी है इनका. कीजिए आप गेम में जो विल वेट 10,000 आवर्स लेटर. मुझे लाइनर चाहिए. दिखा लिपस्टिक तुम्हारा. मुझे ऐसा लगता है ना मैं जितने भी लिपस्टिक लेती हूँ मुझे लगता है तुम पे ज्यादा अच्छा लगता है वो डार्क कलर वाला. बर्थडे पे भी आई थी तुम जब लगाई थी वो तुम पे ज्यादा अच्छा लग रहा था. ओके हमारा थीम था जल्दी करना. समझ नहीं आया इनको. कोई नहीं चाहेंगे नहीं. सॉरी यार मेरे को ना फेस शेविंग करने में बहुत डर लगता है. ऐसा मतलब नहीं करते. तू करती हो क्या? हाँ. फेस शेव करती हो? हाँ. कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है? कुछ भी नहीं होता. तुम्हारी तो सेंसिटिव स्किन है. नहीं अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. मैंने कभी नहीं किया. देखो इनके बाद कर सकते हो पता है. मैं कभी आऊंगी ना मैं कर दूंगी. मैंने आज तक कभी शेविंग नहीं की फेस शेविंग और मुझे बहुत डर लगता है. करना चाहिए. है आपका फेस क्लीन लगता है और ना आपके पोर्स वगैरह अच्छे से ओपन हो जाते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है पेनेट्रेट हो जाता है. मैं तो अभी तक अलग ही सोचती थी कुछ. मेरे तो मतलब अच्छे खासे बाल है. हाँ. मेरे फेस पे और ये हट जाएगा ना देखना आपका फेस और निखर के दिखेगा. मेरे को ऐसा लग रहा है ना मैं बिल्कुल पंजाबी में जैसे तैयार नहीं हूँ तो बिल्कुल पराना वराना लगा ऐसे तैयार. अब हम लोग ड्रेस चेंज करके आते हैं और इस उदासी से और थोड़ी कलरफुल दुनिया में जाते हैं. सो विल बी बैक इन नेक्स्ट सेकंड. ओके सेकंड. एंड यस दिस इज द फाइनल लुक गाइस. आई होप कि हम लोग अच्छे लग रहे हैं. ओके गाइस तो ये था आज का मेकअप. एंड आई थिंक ये जितने भी फेस्टिव सीजन आ रहे हैं उसमें किसी में भी आप ये कर सकते हो. अगर आप म्यूटेड एंड सॉफ्ट कलर्स पहन रहे हो तो आप इस तरह का मेकअप कर सकते हो जिसमें आप बोल्ड आई कर सकते हो या यू नो लिप्स लाइट कर सकते हो. ऐसा मेकअप का कोई रूल नहीं होता है. जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो. जैसे आज हमने किया है हमने कुछ भी नहीं सोचा था कि ऐसा करेंगे बट यू नो होते होते हो जाता है अच्छा लगता है वो. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. हमें तो मेकअप करने में बहुत ही ज्यादा मजा आया. एंड तनु हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. तुम्हारा पहला वीडियो था ये. इट वाज टू गुड. पहले तो मैं नर्वस थी पर
तुम नर्वस कैसे हो सकते हो, तुम तो प्रोफेशनल हो। बट कैमरे के सामने वीडियो शूट करना ये मेरा पहली बार था, इसलिए okay, so आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, एंड हम आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। एंड या जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपके स्किन पे कोई भी कंसर्न है या अगर आपको मेकअप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज मेकअप, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड इसे भी फॉलो कर सकते हो, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हो आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड स्टे हेल्दी, बाय।